Hey guys, I hope you're all doing well. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है अनुप्रीति लमानिया. वेलकम टू माई चैनल. सो गाइज, द होल प्रोसेस ऑफ हेल्दी हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. सो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने बालों की इंटरनली केयर कैसे ले सकते हैं. मेरे पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक्सटर्नली आप अपने बालों की केयर कैसे ले सकते हैं. मैंने बहुत सारे हेयर केयर हैक्स भी आप लोगों से शेयर करे हैं. बट जितना एक्सटर्नली हमारे हेयर की केयर लेना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंटरनली भी इंपॉर्टेंट है. सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हेयर केयर टिप्स टू टेक केयर ऑफ योर हेयर इंटरनली टू मेक देम ग्रो faster, to reduce hair fall and for healthy beautiful hair. So I hope मेरे बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत helpful होगा. So without further ado, let's quickly jump into the video. मेरी सबसे पहली टिप ये है कि ensure intake of plenty of fluids and stay hydrated. So guys, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे पूरा दिन और वाटर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है टू मेंटेन हेयर ग्रोथ. एंड गाइज, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो इट लीड्स टू हेयर ब्रेकेज एंड डल हेयर. एंड इसके कारण हमारे बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसको भी रिड्यूस करता है, विच इज द मेन कॉज ऑफ हेयर फॉल. सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड होल डे. My next tip for you guys is get enough sleep and stress less. And it is very unfortunate guys कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि एक good amount of sleep कितनी important है हमारी life में. So guys, lack of sleep हमारे mood को चिड़चिड़ा तो करता ही है, साथ में हमारे बालों को भी affect करता है. सो गाइज, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं तो रात को आप अपने सारे डिवाइसेस बंद करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें या बुक्स पढ़ें. स्ट्रेस कैन कॉज टेम्पररी हेयर लॉस, सो कीप योर स्ट्रेस अंडर कंट्रोल. सो गाइज, अगर आप लोगों को हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है तो मेक श्योर कि डेली नाइट आप 7-8 आवर्स स्लीप जरूर लें टू कीप योर हेयर हेल्दी. नाउ गाइज, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि बूस्ट योर विटामिन इनटेक. सो गाइज, जैसे हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत होती है वैसे ही हमारे बालों को भी स्पेशल विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. सो गाइज, बायोटिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जिसे हम विटामिन एच भी कहते हैं. एंड ये हमारे बालों में केराटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है विच मेक्स योर हेयर हेल्दी. सो गाइज, मैं जो करंटली अभी बायोटिन सप्लीमेंट ले रही हूँ वो है कार्मेसी बायोटिन. ये जो प्रोडक्ट है ये 100% प्लांट बेस्ड है एंड इट इज सो ग्रेट फॉर नेचुरली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर. सो गाइज, इस बायोटिन सप्लीमेंट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैंड पिक्ड हैं विच आर नेचुरली सोर्स्ड लीडिंग टू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर. सो गाइज, ये जो बायोटिन सप्लीमेंट है इट इज मेड फ्रॉम एन हर्बल सोर्स प्लांट विच इज नोन एज सेस्बेनिया अगाथी. एंड सेस्बेनिया हमारे बालों के केराटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जो हमारे बालों के हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है एंड ऑल्सो कंट्रोल हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस प्रॉब्लम्स. सो गाइज, इस बायोटिन सप्लीमेंट में बहुत सारे हर्बल इंग्रीडियंट्स हैं जो हमारे बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे, जैसे कि आंवला जो हमारे बालों के हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और हेयर लॉस को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट इसमें है पोमोग्रेनेट जिसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है. इसमें बीटरूट है जो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है और डैंड्रफ को रिड्यूस करता है. इसमें बैम्बू शूट भी है विच इज रिच इन सिलिका, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है एंड रिस्टोर इलास्टिसिटी ऑफ योर हेयर. इसको पीने के लिए मिक्स 1 स्कूप ऑफ बायोटिन पाउडर इन 100 और 150 ml ऑफ वाटर पोस्ट ब्रेकफास्ट. एंड ये जो प्रोडक्ट है इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन एंड सूटेबल फॉर एवरी एज ग्रुप. एंड दिस सप्लीमेंट कैन बी टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल, ऑल्दो इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट. इसके हर 6 ग्राम स्कूप में 10,000 mcg है विच हेल्प्स विद नेचुरली स्ट्रॉन्गर हेयर. एंड इट इज मेड विद ऑल नेचुरल मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट मिनरल सोर्स जिसके कारण इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. सो गाइस, इस बायोटिन सप्लीमेंट के कंटिन्यूअस एंड रेगुलर यूज से विद एक्टिव लाइफस्टाइल एंड बैलेंस्ड डाइट के साथ आपको 4 वीक्स में विजिबल रिजल्ट जरूर दिखेंगे. सो गाइस, बीइंग वीगन सोर्स ये जो बायोटिन सप्लीमेंट है इट इज एन हेल्थियर अल्टरनेटिव टू अदर सप्लीमेंट्स. एंड गाइस, ये जो बायोटिन सप्लीमेंट है इट इज सेफ टू कंज्यूम. इसमें कोई भी हार्मफुल एडिटिव्स नहीं है, जैसे कि नो एडेड शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नॉन GMO और ये ग्लूटेन और सोय फ्री है. And definitely check this product out. आप लोग मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है टू गेट 10% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट. सो ये जो प्रोडक्ट है ये Amazon पे भी अवेलेबल है. आप लोग जो इसकी लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. मेरी जो नेक्स्ट टिप है फॉर हेल्थी हेयर वो ये कि टेक केयर ऑफ योर डाइट.
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण हम लोग हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड हमारे बाल जो होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ केराटिन, जिसे हम प्रोटीन भी कहते हैं। तो प्रोटीन रिच फ्रूट्स जरूर इंक्लूड करें अपनी हेल्दी डाइट में। प्रोटीन की कमी के कारण हम लोग हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो गाइस, मेक श्योर कि आप लोग अपनी डाइट में ऐसे फूड्स इंक्लूड करें जो प्रोटीन रिच फूड हैं, जैसे कि नट्स, सीड्स, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स। एंड हमारे जो बाल होते हैं वो सन के कारण भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई लें। जितने भी नट्स होते हैं उनमें विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसे अपनी बैलेंस डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। So while minimizing heat damage and over washing your hair, आप लोग अपनी बॉडी में क्या पुट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So eating a balanced diet will make sure कि आपके जो हेयर है वो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहे। Next tip is rubbing fingernails for a minimum of 10 to 20 minutes daily can make your hair grow again. एंड जो मेरी लास्ट टिप है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये बताया भी है कि मेक योगा एंड मेडिटेशन अ हैबिट। योगा और मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस को कम तो करता ही है, प्लस इट ऑल्सो प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन टू आवर स्कैल्प। सो हमारे हेड रीजन में जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है वो हमारे बालों को स्ट्रेंथन करता है और हमारे जो बालों की ओवरऑल क्वालिटी होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है। And regular practice of forward bending asanas and twice a day meditation therapies are recommended for positive results. So that's it for today's video guys. I hope मेरे बाकी वीडियो के जैसे ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के लेकर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है, डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।